गुड मॉर्निंग एवरी वन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ नीचे घर, और एक्चुअली क्या है कि आज काफ़ी काम है और रूम भी शिफ्ट करना है, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरे जो फैमिली है रिलीफ कैंप पे है, तो आज हम जा रहे हैं रूम का भी हमने देखा था, तो रूम का सफाई वगैरह करना है अभी टेम्प्ररी के लिए, जब तक घर नहीं बन जाता, तो टेम्प्ररी के लिए अभी हम लोग रेंट पे रह रहे हैं, और बाकी का काफ़ी सारे लोग हैं, अभी देखते हैं क्या होगा सिचुएशन वगैरह आगे का। और फिलहाल तो भैया कल भी काफ़ी बम वगैरह फूटा था, तो अभी हम लोग जा रहे हैं, बच्चा भी है, वाइफ भी है साथ में, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं और अभी जाएंगे माजिटर, फिर उसके बाद में रूम जाएंगे, रूम शिफ्टिंग वगैरह करेंगे और देखते हैं, फिर बने रहिएगा इस ब्लॉग पे। सो गाइस, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं रंगपू, और अभी मैं आपको बता दूँ कि 4 तारीख के दिन यहाँ तक ऊपर तक यहाँ पर पानी आया था, और अभी रोड देखिए, किसी ने सोचा नहीं था कि यहाँ तक आएगा करके, क्योंकि यहाँ से जो नदी है तिस्ता नदी बहुत नीचे है, और यहाँ पे नीचे काफ़ी घर है, तकरीबन 84-85 घर डूब गए, और किसी ने सोचा नहीं था कि यहाँ तक पानी आएगा करके, तो यहाँ से जो नीचे आप देख पा रहे हैं यहाँ तक आ गया था पानी, तो काफ़ी 1-2 फ्लोर तक पानी आ गया था। और बाई चांस की बात है कि लकीली गाड़ी बच गया, घर चला गया सारे लोगों का नहीं, काफ़ी लोगों का, और हमारा भी चला गया, लेकिन बाई चांस वही है, गाड़ी ऊपर ही रखता हो तो गाड़ी बच गया, काफ़ी सारे लोगों का तो घर गाड़ी वगैरह सब कुछ गया। और यहाँ पे जो नज़ारा है आगे का, ये मेन जो ब्रिज है यहाँ तक तो पूरा आ गया था, नीचे का नजारा देखिए, वहाँ तक घर वगैरह, यहाँ से देखिए जो नजारा है यहाँ का, कितना भयंकर हुआ था, पूरा घर लेके गया यहाँ पे। आरु सामने घर खोई कहाँ गयो, कहाँ गयो घर, जाऊँ ल बाजे घर, जाऊँ बाजे घर, छ कहाँ छ बाजे घर, जेसीबी उठायो। सो ये है माजिटर का रिलीफ कैंप, मम्मी का हालत कुछ ऐसा, अभी सारे लोग अभी इधर में रह रहे हैं फिलहाल के लिए, अभी घर वगैरह है नहीं, तो अभी है इसका बदमाशी, हाँ खोला तो यहाँ आई सकते थे, मेरे यतापटी को रूम थे यतापटी को आंटीपटी को, यहाँसम पानी आई सकते थे, अंत त्याँ गाई को गोड़सम जाँदा जाँदा ये भाग पानी, यो तो जम फाँदा कति भाग अरे पानी, तो बाथरूम थे नुहने तब बाथरूम को च्यादर उड़े खुद लाइट देखे च्यादर फोक्स को बोट पर इस सो अभी हम लोग फिलहाल रिलीफ कैंप पे है, और ये भी खेलते खेलते सो गया, इधर ही सो गया, रात को हम लोग जाते हैं घर पे रूम पे, और बाहर में कुछ प्रोग्राम चल रहा है आई थिंक, ये कुछ रिलीफ कैंप की तरफ से आर्मी वगैरह कुछ आए हुए हैं, तो प्रोग्राम वगैरह चल रहा है। Thank you.
सो अभी ये स्कॉर्स आई थिंक एनसीसी से है, ये जो रिलीफ मटेरियल वगैरह है, कपड़ा वगैरह है, ये लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट वगैरह कर रहा है, अच्छी बात है। सो अभी मैं हूँ वेस्ट बंगाल साइड में और खाना खाने के लिए आया था, तो यहाँ का नज़ारा भी काफ़ी बढ़िया है, बढ़िया है। अभी नीचे देखें यहाँ पे, ये यहाँ पे एक बड़ा रॉक था, तो ये जो घर है ये रॉक ने सेव किया है, और ये है इसको भी बहा के लेके गया था, सिलगुड़ी पहुँचा के लेके गया था इसको, तो यहाँ पहुँच गया पौड़ी खेल के, इसको अभी गाड़ी से लेके आया, ये बेड में घर पे सोया हुआ था, तो बेड के साथ ही इसको नदी से बह गया था, तो अभी इसको लेके आया हूँ। तो आप लोग मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरा अकाउंट नंबर भी डाल दीजिए, पैसा डाल दीजिए इसके अकाउंट में। दौरा था जोड़ लाया था भाई, बस उन भगवान ने बन जाता रखे और लाख सौ होगा ये बाहर हो ना कहाँ हूँ चो तय हो तय हो। सो नज़ारा कुछ ऐसा है यहाँ का भी, यहाँ का भी काफ़ी भयानक नज़ारा है, और यहाँ पे दिखाता हूँ आपको फिर, ये देखिए अभी यहाँ ऊपर तक कभी सोचा नहीं था, यहाँ पे नीचे इतना गहरा था, यहाँ पे ऊपर ऊपर जो है यहाँ तक आ गया था, और यहाँ पे भी आई थिंक काफ़ी घर वगैरह बहा के लेके गया है। सो फाइनली रिलीफ कैंप से सारे लोग अपने अपने अभी रेंट पे, कोई अपने घर पे, कहीं कहीं पे, तो अभी दोबारा से हम लोग सामान शिफ्ट कर रहे हैं, और अभी ये रूम रेंट पे लिया है, तो दोबारा से फिर शुरू से सारा कुछ स्टार्टिंग, समाज की तरफ से और सारे लोगों की तरफ से कुछ सामान वगैरह घर के लिए दिया है, और ये सारा कुछ अभी रूम का शिफ्टिंग वगैरह करना है, सारा कुछ ज़िंदगी फिर से दोबारा से स्टार्टिंग करना है, तो वही है। पिछले 9 दिनों से रिलीफ कैंप में रहने के बाद मेरा फैमिली अभी रेंट पे शिफ्ट हुए, अपना घर सारा चला गया, तो अभी रेंट पे सारा कुछ यहाँ पे अभी बहुत काम बचा हुआ है, पहले तो रूम का पूरा सेटिंग करना है, और अभी कपड़ा वपड़ा ऐसे ही है, ज़िंदगी फिर से शुरुआत से शुरुआत करना है, तो वही है लाइफ पे ऊपर नीचे चलता ही रहता है। और अभी रूम का हालत कुछ ऐसा है, रूम पे कुछ है ही नहीं भैया, और नया रूम पे आज पहली बार सारा कुछ सेटिंग करके वाइफ खाना बना रही है, कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, बोलना तो पड़ेगा ऐसा ही है ना, लेकिन जितना भी दुख हो दर्द हो है ना, अगर फैमिली सारा कुछ साथ में है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो अभी ऑलमोस्ट इधर उधर तो थोड़ा बहुत तो हो गया है, थोड़ा देखने लायक का हो गया, और अभी इधर थोड़ा सेटिंग हुआ है, अभी तो रूम में सामान भी कुछ है नहीं, सारा सामान वगैरह पूरा लाना पड़ेगा, तो वही है 1-2 महीने में फिर से सेट हो जाएगा, और जल्द से जल्द मुझे भी काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, और जल्द से जल्द फिर से दोबारा से अपना घर बनाना पड़ेगा। हाय अरे सर कहाँ आए आमी आमी कहाँ आयो भाई बाजे घर खोई अब लड़े अब लड़े भाई अब लड़े अब लड़े लड़े अब अभी अरे गुड नाइट गुड नाइट एम्बुलेंस गुड नाइट मु क्षमा प्राप्त छु क्षमा प्राप्त छु के भन्छ हो नाइट भन हामी भोलि भेटौँ भन। सो गुड नाइट गाइस, आज का वीडियो इतना ही था, बने रहिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा।